नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों व व्यापारियों ने किया जमकर प्रदर्शन। अमेठी जनपद के रानीगंज बाजार में जमीन का उचित मुआवजा न मिलने पर नाराज व्यापारियों और ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर विरोध व प्रदर्शन किया। जहां लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं लोगों ने मुआवजे के संबंध में अपनी मांग को लेकर रानीगंज बाजार में सड़क के किनारे धरने पर बैठ गए। रायबरेली से अयोध्या तक फोर लेन का निर्माण किया जाना है, जहां प्रशासन ने फोर लेन बनने के लिए किसानों और व्यापारियों की जमीन को अधिग्रहण करने का काम शुरू कर दिया है। वहीं भूमि अधिग्रहण को लेकर रानीगंज बाजार में लोगों को उचित मुआवजा न मिलने से नाराज यहाँ के व्यापारियों व किसानों ने प्रशासन की ओर से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता देख धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी। वहीं मुसाफिर तहसीलदार श्रद्धा सिंह ने सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। वहीं उन्होंने किसानों एवं व्यापारियों की मांग को एक हफ्ते में उच्च अधिकारियों से बात करके निस्तारण करने का आश्वासन दिया। प्राइम न्यूज 24 से अमेठी से ब्यूरो चीफ अनिल कुमार दुबे के साथ अमेठी से। देखिए, तहसीलदार महोदया का यहाँ पर आगमन जो हुआ, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि डीएम साहब के समक्ष आपकी सारी मांगों को रख कर उसको पूरा कराया जाएगा। पिछले 8 दिन में अगर आप लोगों को इस पे कोई भी मतलब प्रतिक्रिया नहीं नजर आती है तो आप लोग दोबारा फिर अपनी कार्रवाई के लिए अग्रसित हो सकते हैं। तो हम लोगों ने इसी बात पे अपने धरने को समाप्त किया है, सारे व्यापारियों ने, कि अगर दिवाली बाद हमारी लोगों की मांगे का जो उचित कार्रवाई है अगर वो नहीं निर्देशित हुआ डीएम साहब के द्वारा, तो हम लोग जन आंदोलन दोबारा शुरू कर पूरी मार्केट को यथावत तरीके से बंद कर देंगे और हम लोग यहाँ पर बाजार नहीं करते खोलेंगे जब तक कि हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। इसीलिए हम लोग इसी बात पे तहसीलदार के महोदया के कहने पर हम लोग ये अपना धरना खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसी शर्त पर कि अगर आगे कार्रवाई न हुई तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, चाहे हम लोगों के प्राण ही चले जाए उसमें, हम लोग कतई उसमें नहीं झुकेंगे। बाबा जी, क्या नाम है आप लोगों का? आज आप लोग धरने में बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? हमारा नाम है राम भारत शर्मा, मैं यहाँ का व्यापारी हूँ, जीएसटी भी भरता हूँ, इनकम टैक्स भी देता हूँ। हमारी दुकान है यहाँ पे, हमारा मकान है जो कि करोड़ों की बिल्डिंग है, उसका मुआवजा 5 लाख 10 लाख मिल रहा है, उसकी ईंटे की उतना ही नहीं आ रही है। हम लोग यहाँ से दुकान हटाने के बाद कहाँ जाएंगे? हमारे लोगों के पास न कोई लैंड है, न कोई दूसरी जमीन है, न व्यापार करने कोई और साधन है। हम लोगों का मकान जिस दिन गिर जाएगा उसी दिन से हम लोग रोड पे हैं। हमारे पास कोई जीविका का साधन नहीं है, परिवार में 10 लोग हैं, भूखों मर जाएंगे। कारण क्या आज आप लोग धरने बैठा है? धरने बैठा है, हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। सर्किल रेट का पैसा अगर मिल जाए मुआवजा तो हम लोग अगर अलग जमीन लेके घर तो बना सकते हैं, दुकान तो कर सकते हैं। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन, हम लोग राज्य मंत्री को बुलाया, उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम लोगों को पूरा काम होगा। डीएम के यहाँ गए, वो भी आश्वासन दिए, लिखित कार्रवाई दी हम लोगों ने, एसडीएम ने कार्रवाई की, लेकिन कहीं से कोई आश्वासन ये मिल रहा है कि आप लोग बस जितना मिल रहा है इतना ले लो, नहीं वो भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी तो आप लोग क्या करें? हम लोग अनिश्चित काल, जब तक मांगे नहीं पूरी होगी तब तक रानीगंज में किसी की व्यापार प्रतिष्ठान कोई नहीं खुलेगा, सारा बंद रहेगा। हम लोग ऐसे रोड पर बैठ के भूख हड़ताल करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे यहीं पे।